नमस्कार दोस्तों, मैं शाना परवीन हाजिर हूँ आपके सामने किस्सों की पोटली के अंतर्गत एक नई रचना लेकर। सुनते हैं आज की रचना। यह प्यारी सी रचना हमें भेजी है अहमदाबाद से आदरणीय मीरा जगनानी जी ने। इनके परिचय की बात करें, एस्ट्रोलॉजर, लेखिका, कहानीकार, कवित्री मीरा जगनानी जी। इनकी रचनाएं ग्रह शोभा, प्रखर गूंज, साहित्य नामा, वर्तमान अंकुर, कागज और कलम और कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं। राजस्थान चंबल प्रभा टीवी चैनल पर एंकरिंग भी की है। नीम के पेड़ तले इनका पहला काव्य संग्रह है और बदली बदली सी है जिंदगी लघु कथा संग्रह है। सुनते हैं आदरणीय मीरा जगनानी जी की रचना। शीर्षक है दुर्गा। दुर्गा तुमसे कौन पार पाया है, दुर्गा तुमसे कौन पार पाया है, तुमसे कभी क्या कोई जीत पाया है। अबला अबला और अबला, बार बार और बारंबार कहकर लोगों ने कमजोरी का पाठ हम नारी को पढ़ाया है, दुर्बलता का पाठ हमें रटाया है। 10 हाथों वाली माँ दुर्गा आप हमें समझाती हैं, नारी शक्ति है कभी नहीं वो हारी है, एक समय और 10 काम मजे से वो संभाली है। महिषासुर हो या असुर, पैरों तले दुर्गा ने रौंदा है, शम्य ना है जानकर काली ने रक्त से उनके मुंह तक धोया है। सरस्वती बन ज्ञान दुर्गा हमें देती है, सिंह पर सवारी कर दुर्गा वीरता का पाठ हमें पढ़ाती है। फिर क्यों निर्बला बने और क्यों हमें अबला, हम नारी चले हम तन से छाल अलग करें उन नरभक्षियों की, बुद्धि में विवेक जोड़ लें और दुष्कर्मियों के हौसले तोड़ दें। अब कोई भी ना बन पाए सशक्त इतना, अब कोई भी ना बन पाए सशक्त इतना जो लूट सके नारी को, निकाल कटार मयान से फिर से चंडी बन जा, रक्त रंजित कर दो दुष्टों को, बन जा दुर्गा नरक के द्वार पहुंचा दो बलात्कारियों को, बन जा दुर्गा नरक के द्वार पहुंचा दो बलात्कारियों को, धूल चटा दो आतंकियों को, जय मां दुर्गे जय मां अम्बे। आशा करते हैं आपको किस्सों की पोटली से यह रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपका हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सवाल या फिर सुझाव है, या आप हमारे इस कार्यक्रम में और भी कुछ देखना और सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।